सो हेलो एवरीवन, दिस इज पारस मिश्रा। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ गोवा का मैप। गोवा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे कम डिस्ट्रिक्ट है। तो दिख ही रहा होगा आपको कितने डिस्ट्रिक्ट है, दो डिस्ट्रिक्ट है। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करना, छोटा स्टेट है, छोटी सी वीडियो होगी। तो ये एक गोवा का पूरा मैप है मेरे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें ऊपर में ये जो है हमारा ऊपर वाला यानी नॉर्थ में, तो नॉर्थ में है हमारा नॉर्थ गोवा, साउथ में है साउथ गोवा। बस इतना काफ़ी है। गोवा के बारे में अगर मैं आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें बताऊं, गोवा के बारे में अगर मैं आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें बताऊं, तो जैसे कि गोवा का जो ये है, ये इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है। सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का, ये कमेंट करके बताओ। सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का गोवा। इसकी पॉपुलेशन की अगर मैं आपको बात करूं, गोवा के पॉपुलेशन की, तो मात्र 18.2 लाख लोग है यहाँ पे। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, तो 3,702 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 3,702 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इसके कैपिटल की अगर मैं बात करूँ, गोवा का कैपिटल क्या है, तो गोवा का कैपिटल है पणजी। अब गोवा के बारे में कुछ दो तीन चीज़ बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा और हिस्टोरिकल चीज़ें। गोवा जो था ना, वो सबसे पहले, मतलब भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगाल। जिस तरह से ब्रिटिश आए थे, तो ब्रिटिश से पहले भी आए थे पोर्टुगीज, जिसे हिंदी में पुर्तगाल कहते थे। पुर्तगाल आए थे तो उन्होंने गोवा पर कब्जा कर रखा था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, ब्रिटिश वाले हमें छोड़ के चले गए, तो ब्रिटिश वाले छोड़ के गए, पर गोवा वालों ने हमें नहीं छोड़ा। मतलब कि पोर्टुगीज जो थे वो इंडिया पर रूल करते ही रहे, तो गोवा जो था वो पोर्टुगीज के अंडर में था। तो जब देश आज़ाद हो गया, तो बहुत सालों तक, यानी कि यदि कि मैं बात करूँ तो 4 और 10 14 सालों तक, 1961 तक गोवा पोर्टुगीज के अंडर में ही था और वही रूल कर रहे थे गोवा पे। तो होता क्या है, 19 दिसंबर 1961 को एक ऑपरेशन चलाया जाता है। हमारे जवाहरलाल नेहरू थे शायद से उस वक्त, वहाँ वही थे। तो उस वक्त एक ऑपरेशन चलाया जाता है, जिस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, इस ऑपरेशन के तहत पुर्तगालियों को गोवा से बाहर भगाने का प्लान बनाया गया। और इस ऑपरेशन में इंडिया सक्सेस होती है और गोवा को अपने अंडर में, यानी अपनी टेरिटरी में मिला लेती है गोवा को। तो यही था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। 19 दिसंबर 1961 को ये पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया। तो होप्स आपको गोवा के बारे में पता चल गया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। तो इतना काफ़ी है जो गोवा का डिस्ट्रिक्ट, और मतलब डिस्ट्रिक्ट दो ही है इसमें, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, पॉपुलेशन इतना है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, जब तक के जय हिंद।